Actually, hello everyone. My name is Deepak and I'm faculty of English language. Guys, I've started my own YouTube channel, so I'm again back with one more video. मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड करा था जिसमें हमने 20 वर्ड देखे थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और बहुत शानदार से वर्ड थे उसमें, जिसमें हमने अप्रेंटिस की बात करी थी, विंटेज की बात करी थी, वेटरन की बात करी थी. तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे उसमें गाइस, और मेरे को लगता है हम सब उसको इस्तेमाल करेंगे. मैं फिर बोलूँगा एक कॉपी पेन लेके बैठिए एंड स्टार्ट राइटिंग दीज वर्ड्स, स्टार्ट यू नो लुकिंग एट हाउ वी कैन यूज़ ऑल दीज वर्ड्स. सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार लग जाइए ज़रा एक बार वोकेबलरी के साथ, एंड 3000 वर्ड्स की वोकेबलरी ज़रा देखिए मेरे साथ, क्या क्या वर्ड होते हैं, कौन कौन से वर्ड है, एंड हाउ कैन यूज़ दोज वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. चलिए गाइज, पहला वर्ड देखते हैं आज का हम. पहला वर्ड है हमारे पास पर्सन हु इज़ रिजर्व्ड इन टॉक. एक ऐसा बंदा जो बहुत कम बोलता है, ठीक है. मेरे को लगता है आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ गाय बिफोर कमिंग टू टीचिंग प्रोफेशन, और स्पेशली एट माई ग्रेजुएशन टाइम आई वॉज वेरी वेरी शाई काइंड ऑफ अ गाय, वुड नेवर लाइक टू स्पीक टू एनी वन. तो मैं बहुत ही रिजर्व रहा था अपने शुरुआती दिनों में जब मैंने अपना करियर शुरू करा था. तो गाइस, कौन से होते हैं वो बंदे जो रिजर्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं डी फॉर डेली. उनको दोस्तों हम कौन सा बोलते हैं, डी फॉर डेली रेटी सेंट. जैसे मैं क्या बोलूँगा यार, आई वॉज क्वाइट रेटी सेंट इन माई नेचर इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज क्वाइट रेटी सेंट इन माई नेचर वाइल आई वॉज डूइंग माई जॉब. तो इस तरीके से आप रेटी सेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं क्या कहूँगा, अ टीचर कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ रेटी सेंट गाय. टीचर कभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो रेटी सेंट हो, वो शाय हो, ठीक है. हम लोगों को तो आउट परफॉर्म करना होता है, हम लोगों को, या अगर आप भी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को आउट परफॉर्म करना होता है. यू हैव टू कन्विंस योर ऑडियंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. चलिए गाइस, तो पहला हमने आंसर जो देखा है, वन हु इज़ रिजर्व्ड इन टॉक, वो है दी फॉर डेली रेटिसेंट. तो इनके लिए बाकी भी देख लेते हैं दोस्तों कि बाकी हमारे पास कौन कौन से वर्ड हैं इसके अंदर. कैंडिड बहुत ही चल रहा है यार आजकल, फेसबुक व्हाट्सअप पे सब लोग बोलते रहते हैं कैंडिड पिक्स है मेरी. कैंडिड पिक मतलब वेयर यू नो यू हैव नॉट फैब्रिकेटेड एनीथिंग, आपने कोई बनावट नहीं करी है, आप एक बिल्कुल नेचुरल पिक आप नहीं दे रहे हैं, बहुत ही शानदार पिक उसको जो बोल सकते हैं. वेयर देर इज़ नो फैब्रिकेशन, यू हैव नॉट यूज द ब्यूटी प्लस, यू हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स, यू आर नॉट मेकिंग एनी पाउट, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल यू नो काइंड ऑफ अ स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन इन द कैंडिड पिक. सो और बाकी वैसे भी यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे मैं अगर यूज़ करके दिखाऊँ तो कैंडिड कॉन्वर्सेशन, मैं कहता हूँ ऐसा बंदा नहीं देखा जो कैंडिड इतना अच्छा कैंडिड रिप्लाई देता हूँ. सो कैंडिड का मतलब अगर मैं लूँ, आगे मैं सारे वर्ड्स दिखाऊँगा हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू लाइक यू नो यूज़ देम इन सेंटेंसेज, व्हाट आर दी सिनोनिम्स. तो अभी एक बार बस समझ लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन लास्ट में आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वोकैब. तो कैंडिड कॉन्वर्सेशन मतलब दोस्तों बहुत ही सीधा और सच्चा और खरा. अगर मैं बोलता हूँ बंदे ने बहुत कैंडिड रिप्लाई दिया है, तो बहुत सीधा सीधा मुंह पर बोला है, ठीक है. कैंडिड को हम ब्लंट भी बोलते हैं, कैसे ना, ब्लंट फीडबैक देता है. तो ब्लंट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड सिंसेयर. गाइस, पहला वर्ड हमने देखा था जो रिजर्व्ड है वो रेटिसेंट, कैंडिड में हमने देखा बहुत सच्चा और खरा. लॉक LOQU, अगर कभी भी आपको LOQU दिख जाए तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है बेसिकली क्या कहते हैं, स्पीक करना. LOQU का मतलब इंग्लिश में होता है स्पीक. सोमनी लॉक्विस्ट, सोम का मतलब नींद, लॉक का मतलब स्पीक, है ना. तो जैसे अगर मैं आपको बात करूं, लॉक LOQU उसका मतलब होता है इंग्लिश में स्पीक, ठीक है. ये सारे रूट्स मैं कराने वाला हूँ, बोर्ड राइटिंग कराऊंगा उस पर. अभी तो सिर्फ मैं आपका फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ये सब, बट हाँ बोर्ड राइटिंग भी अभी आपको मैं कराऊंगा बहुत सारी. लुकवैशियस क्या होता है, सोमनी लॉक्विस्ट क्या होता है, सॉली लॉक्विस्ट क्या होता है, वेंट्री लॉक्विस्ट क्या होता है. तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल वर्ड विच वैन वी कैन मेक थ्रू लुकवैशियस. तो लुकवैशियस, लॉक का मतलब स्पीक, OUS का मतलब होता है फुल ऑफ. तो गाइस मैं कहूँगा यार बड़ा लुकवैशियस बंदा है, चुप ही नहीं होता है. लुकवैशियस जो बहुत ज़्यादा बोलते हों, इंग्लिश में हम लुकवैशियस किसको बोलते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा बोलते हों उसको हम लुकवैशियस बोलते हैं, ध्यान रखना. चलिए नेक्स्ट वन लगाते हैं हम. नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, मंडेशियस. ऑल पॉलिटिशियंस आर मंडेशियस. तो अगर मुझे मंडेशियस वर्ड यूज़ करना है, मैं कहूँगा यार सारे पॉलिटिशियन झूठे होते हैं,
है ना, एक्सेप्ट बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। तो अगर मैं बोलूँ सारे के सारे क्या होते हैं, मंडेशियस होते हैं। मंडेशियस मतलब लायर, जो किसी को धोखा दे, किसी को चीट करे। ठीक है, तो हम दोबारा एक बार चारों वर्ड देखते हैं। रेटिसेंट कम बोलने वाला, कैंडिड बिल्कुल सच्चा और खरा बोलने वाला, लोक्वेशियस झूठ बोलने, सॉरी लोक्वेशियस ज़्यादा बोलने वाला, एंड दी मंडेशियस इज झूठ बोलने वाला। जरा अपने दोस्तों के नाम रखो। रेटिसेंट पंकज है ना, मैं बोलूँगा अगर कोई सीधा मुंह पे बोलता है तो उसके नाम के आगे एडजेक्टिव डाल दो, कैंडिड सुरेश। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो लोक्वेशियस पिंकी। अगर कोई झूठ बोलता है मंडेशियस मनोज। तो ऐसे करके याद दोस्तों करिए, आप फोन बुक में सेव कर लीजिए इसको, लोगों को पास करिए और कहीं ना कहीं इनको यूज़ करना शुरू करिए। दीज आर द बेस्ट वे। इन माई एंटायर लाइफ आई हैव यूज दी वर्ड्स वाइल यू नो कम्युनिकेटिंग, और कहीं ना कहीं मैंने इनको इस्तेमाल करके याद करा है। ठीक है, दीज आर नॉट ईजी। पिक्चर के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, न्यूमोनिक्स याद कर लीजिए कुछ। जैसे लोक्वेशियस में मैंने वर्ड बताया ना, LOQU, तो LOQU का मतलब होता है स्पीक। OUS का मतलब होता है क्या आपका, फुल ऑफ। तो गाइज हमने फर्स्ट वर्ड देखा जिसमें आंसर क्या था, रेटी सेंट। नेक्स्ट वर्ड उठाते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पर्सन हु टॉक्स टू मच। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था टॉक टू मच का होता है LOQU, LOQU, और OUS मतलब फुल ऑफ। तो सेकंड का हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, वो आंसर है लुकवेशियस, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, फर्स्ट में हमारा आंसर था रेटिसेंट, डी फॉर दिल्ली। सेकंड में हमारा आंसर है लुकवेशियस, जो कि बहुत बात करता है, जिसको हम वर्बोज भी बोलते हैं लेटर ऑन, और वर्ड भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थर्ड वन, पर्सन हु इज अ लॉयर, सॉरी नॉट लॉयर, माई एक्सट्रीमली सॉरी, लाइक हाँ जी, पर्सन हु इज अ लायर। मैं लॉ पढ़ाता हूँ तो लॉयर लॉयर निकलता है मेरे से, ठीक है ना। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ ऑल लॉयर्स आर लायर्स, बट हाँ दैट्स अ वाइड स्प्रेड कैनन, इट कैन, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज समथिंग विच इज़ एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी। चलिए अ पर्सन हु इज़ अ लायर क्या बोल सकते हैं आप उसको, मंडेशियस। कैसे याद कर सकते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर मंडेशियस। ठीक है, कोई झूठ बोलता हो सिंपली क्या बोल सकते हैं, नो यू आर मंडेशियस। तो गाइस कहीं पर भी इस्तेमाल करके इसको यूज़ करिए, पॉलिटिशियंस आर मंडेशियस। समटाइम अ लॉयर हैज़ टू बी मंडेशियस टू प्रूव हिज थिंग्स इन द कोर्ट, है ना। अगर एक बंदा आ गया है, उसे बता दिया कि मेरे से क्राइम हुआ, बट लॉयर स्टिल विल ट्राई टू सेव हिज क्लाइंट, एंड समटाइम ही विल बिकम मंडेशियस इन द कोर्ट, ही विल ट्राई टू प्रूव हिज पॉइंट। तो गाइस तो मंडेशियस मतलब होता है जो बंदा क्या हो, झूठा हो। कैसे याद कर सकते हैं, रेटिसेंट कम बोलने वाला, है ना, धीरे से आराम से बैठ के याद करेंगे। सिर्फ मैंने बोला ना आप मेरे साथ जुड़िए, सिर्फ आपको 15 मिनट वो कैप कराऊंगा। राइट डाउन इन योर पेपर, जस्ट रिवाइज इट 2-3 टाइम्स, दैट इज़ दी ओनली वे टू डू इट। यू यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स ऑन द यूट्यूब वेयर पीपल आर गिविंग यू एन नंबर ऑफ ट्रिक्स टू यू वोकैबलरी एंड टू क्रैम दी वोकैबलरी, बट आई हैव गॉन थ्रू ओनली वन थिंग, रिपिटिशन इज़ दी मदर ऑफ स्किल। सेकेंड, प्लीज प्लीज लिंक योर वोकैब टू एनी पर्टिकुलर एडजेक्टिव और नाउन, ओके। एंड द थर्ड इज इफ यू कैन रीड द न्यूमोनिक्स, न्यूमोनिक्स मतलब द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस, ओके। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज 3 ट्रिक्स यू नो इन द कमिंग वीडियोज एज वेल। चलिए थर्ड नंबर का आंसर है द मंडेशियस, एंड द गाइज वी हैव द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है वन हु इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो मैंने बोला द पीपल हु आर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आर कॉल्ड बेसिकली कैंडिड। मैंने एस कैसे यूज़ कर सकते हो, कैंडिड कॉन्वर्सेशन, कैंडिड फीडबैक। मैंने कहा यार आपको एक कैंडिड फीडबैक दूँ, अब बुरा मत मानना बट आपकी इंग्लिश बहुत पुअर है, ठीक है। तो कई बार किसी को आप ऐसा फीडबैक दे दें, मैंने क्या बोला, बाकी तो सब है, बहुत तू बहुत घटिया आदमी है, दैट्स अ वेरी कैंडिड फीडबैक टू समवन। बहुत ब्लंट सीधा मुंह मुंह पे बोल देना। सो फोर्थ वन में हमारा आंसर है ए फॉर एप्पल, कैंडिड, राइट गाइस। तो हमारा देखो जो कम बोलने वाला था वो रेटिसेंट हो गया, जो ज़्यादा बोलने वाला था वो गैरुलस हो गया, और लोक्वेशियस हो गया। जो झूठ बोलने वाला है दोस्तों वो क्या हो गया, मंडेशियस, और जो सीधा और सिर्फ सच्चा मुंह पे बोले वो क्या हो गया आपका, कैंडिड, राइट। सो आइए देखते हैं इनको एक बार और रिवाइज करते हैं, जरा इनके सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए गाइस पहला वर्ड हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट एवरीबडी कैन सी इट। पहला वर्ड हमारे पास दोस्तों क्या है आपका, कैंडिड, जिसको
जिसको हम कई बार बोलते हैं आउटस्पोकन। आउटस्पोकन मतलब जो सीधा सीधा मुंह पे बोल दे, कहते हैं ना बड़ा आउटस्पोकन है यार, है ना। आउटस्पोकन मीन्स द पर्सन हु कैन से समथिंग एट योर फेस, ओके। एंड ब्लंट भी बोलते हैं। अबव बोर्ड को मैं बोलूँगा देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर अबव बोर्ड दीज डेज, है ना। आज के टाइम में एक अबव बोर्ड दोस्त मिल जाए ना भाई साहब, बहुत ही बड़ी बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ फ्रेंड हु इज़ अबव बोर्ड। तो गाइज अबव बोर्ड अभी किसी एग्जाम में भी आपको देखा था, और देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन कॉल अ स्पेड अ स्पेड। बहुत ही कम लोग होते हैं इस संसार में जो सीधा मुंह पर बोल पाते हैं, यानी इंग्लिश में मैंने क्या लाइन बोली, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन कॉल अ स्पेड, यानी बहुत ही कम लोग हैं जो सच्चे और खरे होते हैं। चलिए लाइन देखिए, नीचे लाइन मैंने बोल्ड में लाइन दे रखी है, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन हु स्पीक कैंडिडली दीज डेज। आज के ज़माने में सारे लोग घुमा फिरा के बात करते हैं, दे ऑल बीट अबाउट दी बुश, सारे लोग इधर उधर बात करते हैं, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन गिव दी कैंडिड फीडबैक, सीधा मुंह पर बोलना। चलिए मैंने एक सिंपल लाइन बोली रेटिसेंट के लिए, बहुत सिंपल, जैसे मैंने एक बोला यार आई एम रेटिसेंट इन नेचर, मतलब मैं थोड़ा यार कम बोलता हूँ। अगर मैंने बोला आई एम रेटिसेंट इन नेचर, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा कम बोलता हूँ, मैं थोड़ा उसको मतलब एक तरीके से मैं मतलब अगर ऊपर देखिए क्या वर्ड दे रखे हैं, टैसी टर्न हूँ और लेकॉनिक। यार दोस्तों अगर आप लेकॉनिक हो अपने रिस्पॉन्स में तो आप बहुत ही कम रिस्पॉन्स देते हो। मैंने पूछा यार क्या करोगे, मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट पूछी, आप येस और नो में आंसर दे रहे हो, इट मीन्स यू आर लेकॉनिक इन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो लेकॉनिक भी होता है बहुत ही जो एक तरीके से मतलब कम रिस्पॉन्स में बात करे, लेकॉनिक। चलिए लोकवेशियस हम देख ही चुके हैं, लोकवेशियस के तीन सिनोनिम्स देखिए दोस्तों, गैरुलस, वर्बोस और मोटर माउथ। मोटर माउथ बहुत फेमस वर्ड है इंग्लिश में। मोटर माउथ मतलब मोटर की तरह चल पड़े, मोटर चल पड़ती है ना, तो मतलब मोटर माउथ मतलब जो मोटर की तरह चल पड़े और रुके ही ना बिल्कुल। चलिए लाइन देखिए क्या बोला गया है, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज क्वाइट लोक्वेशियस। मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, बहुत ही लोक्वेशियस बंदा है, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला बंदा है। और मंडेशियस क्या लगाएंगे, ऑल पॉलिटिशियंस बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस आर मंडेशियस, यानी सारे पॉलिटिशियन एक आध को छोड़कर क्या है दोस्तों, मंडेशियस है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस सब वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कैंडिड बहुत बोलने, बहुत सीधा मुंह पे बोलने वाला, रेटिसेंट इन नेचर, मैंने क्या बोला, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रेटिसेंट इन नेचर बट अ टीचर कैन नॉट अफोर्ड टू बी अ रेटिसेंट वन, ओके। तो टीचर को कभी रेटिसेंट नहीं होना, हाँ टीचर लोक्वेशियस भी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। लोक्वेशियस तो होता है जो बकवास करते रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। एंड द मंडेशियस, ऑल पॉलिटिशियंस आर मंडेशियस दीज डेज, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लानट इज मंडेशियस। मुझे लगता है आजकल सारे लोग ही मंडेशियस की कैटेगरी में आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सोसाइटी खराब होती जा रही है। सो 80% 90% पीपल आर मंडेशियस, पॉलिटिशियंस तो शुरू से रहे हैं वो हमें पता है, ठीक है। तो अपने चार वर्ड देखे हैं दोस्तों, एक चार वर्ड का और राउंड चलाते हैं जल्दी से, और ये सारे वर्ड प्लीज़ लिखिए, एक जगह लिखना शुरू करिए, और 15 मिनट दीजिए दिन में बस। एंड गिव एटलीस्ट यू नो 6 months टू इंग्लिश लैंग्वेज टू सी सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट विद द पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग अ यू नो द इमीडिएट रिजल्ट। यार मैं बड़ा फेसबुक पे देख के कई बार हैरान हो जाता हूँ जब मैं उनके थंबनेल देखता हूँ ना, कि भाई इसको देख डाला तो झींगा लाला, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, दे दर स्टूपिड गाइस, है ना। जस्ट टू यू नो इंक्रीज द नंबर ऑफ व्यूज़ बिकॉज पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी एब्सर्ड थिंग दीज डेज। लोगों को सीधी पढ़ाई नहीं करनी, उनको लगता है कि कोई ट्रिक दे दे। अरे यार देर इज़ नो ट्रिक टू हार्ड वर्क, देर इज़ नो ट्रिक टू सक्सेस, और आई डोंट बिलीव सो देर इज़ एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, बट अगर अपनी मेहनत देखोगे तो आपने देखोगे कि यू मस्ट हैव डन अ नो लाइक वेरी वेरी गुड हार्ड वर्क आई बिलीव। तो ट्रिक्स व्रिक्स ज़्यादा मत देखिए, सीधा पढ़िए, दो चार वर्ड लिखिए एंड ट्राई टू स्पीक। हाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्पीकिंग, प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। कम से कम रोज पाँच पाँच वर्ड ऐसे ग्रुप्स में डालिए वेयर द पीपल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। आई एम प्लानिंग टू मेक अ ग्रुप, इफ़ यू गाइज यू नो लाइक विल स्टार्ट शेयरिंग सर्टेन थिंग्स
पहले तो देखेंगे, चलिए पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ग्रुप ग्रुप भी बनाएंगे और आई विल स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स इन अ डेली ग्रुप. तो बहुत से प्लान्स है गाइस एंड इन द कमिंग फ्यूचर द वे आई गेट द रिस्पॉन्स ऑन द यूट्यूब चैनल आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स इन माई माइंड. चलिए आइए देखते हैं आगे हमारे पास कौन से वर्ड है. चलिए नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं, दैट इज़ विच इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिगैर काम नहीं चल सकता. और मैं मानता हूँ जरा उस वर्ड का क्या नाम हो सकता है दोस्तों. पहले चारों वर्ड देखते हैं. चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी इज़ इनविंसिबल इन पॉलिटिकल एरेना देर लॉट ऑफ पीपल सेइंग नाउ. यानी मोदी को हराना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है. मोदी एक इनविंसिबल लगता है पॉलिटिकल एरेना में. इनविंसिबल दोस्तों वो होते हैं हु कैन नॉट बी डिफीटेड. जैसे दोस्तों इनविंसिबल कौन था, इनविंसिबल आपका एक्लेस था. एक्लेस एक ऐसे योद्धा थे जो इनविंसिबल थे. नेपोलियन वाटरलू की वॉर से पहले उसे भी इनविंसिबल माना गया. इनविंसिबल यानी जिसको कभी हराया नहीं जा सकता. जैसे मैं क्या कहूँगा, यार ये पॉलिटिशियन तो मुझे इनविंसिबल लगता है, यानी जिसको कोई हरा नहीं सकता. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास इंडिस्पेंसेबल. इंग्लिश हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. यानी इंग्लिश आज के टाइम में एब्सोल्यूट नेसेसरी लैंग्वेज बन चुकी है. विदाउट इंग्लिश वी नो सो मैनी थिंग्स बट वी स्टिल फील गिल्टी, यार इंग्लिश नहीं आता है. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू मी इन माई ऑफलाइन बैचेज एंड सेइंग, सर यार ये इंग्लिश नहीं आती है, बाकी तो ही आई एम नेट क्वालिफाइड, आई एम PhD. और दे लॉट ऑफ पीपल कमिंग आउट विद वेरी गुड एजुकेशन, बट वेन आई सी दे ऑल आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो गाइज मैं कहूँगा इंग्लिश एक इंडिस्पेंसेबल लैंग्वेज है. हाँ इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन 1 डे 1 मंथ, बट इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 6 मंथ्स. ओके, इफ़ यू गिव अ सिंसेयर एफर्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज इन 6 मंथ्स. हाँ इट शुड नॉट बी इन फिट्स एंड स्टार्ट्स. इंग्लिश फिट्स एंड स्टार्ट्स में तैयारी मत करिए कि एक दिन पढ़ ली एक दिन नहीं पढ़े. और मैंने देखा लोग जो है हज़ारों यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब रहते हैं और उसको कहते, उसमें से हर जगह से जहाँ पे भी कुछ एक थंबनेल अच्छा सा दिख गया दे स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, है ना. और ऑल दो आई नो वट इज़ गॉट गेम इज़ गोइंग ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार द पीपल आर मेकिंग फूल ऑफ अदर्स. तो मैं कहूँगा यार आप लैंग्वेज को पढ़िए, इंग्लिश को कहीं से भी पढ़िए वेर यू फील कंफर्टेबल विथ. तो बट ये लैंग्वेज बड़ी इंडिस्पेंसेबल हो गई है. इंग्लिश के बिगर आज के संसार में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न और प्रॉब्ली टू अर्न दैट स्टेटस इन द सोसाइटी. इंग्लिश हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल लैंग्वेज. एंड सी द वे आई एम मेकिंग सेंटेंसेज यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स. इनको उसी तरीके से आप सोसाइटी में बोलना शुरू करिए. लाइन क्या बोली मैंने, इंग्लिश हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल लैंग्वेज. चलिए सी नंबर जो है दोस्तों, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कॉरिजिबल, जिसे सुधारा जा सके. इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा ना जा सके. मैं कहूँगा यार मेरा तो बेटा इतना बिगड़ गया अब तो मुझे उम्मीद ही नहीं है उससे कुछ. ही हैज़ बीन नाउ इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके. मैं कहूँगा बाय डूइंग दिस क्राइम यू हैव डन इनकॉरिजिबल मिस्टेक. जैसे निर्भया विक्टिम्स को देखो, फांसी होने वाली है, दे हैव डन इनकॉरिजिबल मिस्टेक इन देयर लाइफ. यानी उनसे ऐसी मिस्टेक हुई जिसको वो अब कभी सुधार नहीं पाएंगे. दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, गैलोज पे चढ़ा दिया जाएगा उनको. गैलोज मतलब फांसी के फंदे. सो समटाइम इनकॉरिजिबल को हम यूज़ करते हैं. जैसे माई 8 ईयर ओल्ड सन इज़ एन इनकॉरिजिबल चाइल्ड. यानी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है. और इनइमिटेबल क्या होता है दोस्तों, इनइमिटेबल का मतलब है इमिटेट से बनाइए इसको. इमिटेट करना होता है किसी को नकल करना, और इनइमिटेबल हो गया जिसकी नकल ना की जा सके. आमिर खान हैज़ गिवन इनइमिटेबल परफॉर्मेंस इन दंगल मूवी. यार मेरे को बहुत ही शानदार मूवी लगी आप कौन सी, दंगल. एंड द वे आमिर खान हैज़ गिवन द परफॉर्मेंस, अ बॉडी बिल्डर एंड द यू नो द मैन विद ओबेसिटी, यानी जिसका पेट निकला हुआ है. ठीक है, तो ही इज़ गिवन सच एन इनइमिटेबल परफॉर्मेंस दैट इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी वन. समटाइम वी हैव सीन अमिताभ बच्चन, है ना, आमिर खान, दीज आर देयर सुपर स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा. दे हैव गिवन इनइमिटेबल परफॉर्मेंस इन देयर मूवीज. तो कई बार हम कहते हैं यार इस मूवी में इसकी एक्टिंग ही है जो है, इट मीन्स उसकी एक्टिंग को फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से. इन इमिटेट, इमिटेट मतलब कॉपी करना, इनइमिटेबल जिसको कॉपी ना किया जा सके.
गाइस एक बार चारों वर्ड रिपीट करता हूँ, फिर मार्किंग करिएगा जल्दी से। दैट विच इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी, जिसके बगैर काम ना चल सके। जैसे मैंने क्या बोला, इंग्लिश हैज़ बिकम इंडिस्पेंसेबल लैंग्वेज। तो हमने क्या बोला, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है दोस्तों जो क्या है, इंडिस्पेंसेबल है। ठीक है, इनविंसिबल मैंने यूज़ करा। और प्लीज़ यार, इफ़ आई गिव एनी ऑफ द स्टेटमेंट, डू नॉट टेक इट पॉलिटिकली, बिकॉज आई हैव रेड यू नो कमेंट इन अदर यूट्यूब चैनल एज वेल, यू नो वाई आर यू सपोर्टिंग दिस गवर्नमेंट, वाई आर यू सपोर्टिंग दैट। वी आर जस्ट गिविंग यू दी एग्जाम्पल्स टू लर्न दी वोकैब। देर इज नो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दैट आई हैव राइट नाउ। ओके, सो देर इज़ नो प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी। और कोई ऐसा कोई कोई ये नहीं है कि किसी को प्रमोट करने हैं। और ठीक है यार, अपना अपना सोच रखिएगा बस। इनविंसिबल, जैसे मैंने बोला, मोदी टू एन एक्सटेंट हैज़ बिकम इनविंसिबल इन पॉलिटिकल अरेना। 2014 में भी दी थे एंड 2019 वॉन विद अ सच अ ह्यूज मेजोरिटी। तो इनविंसिबल लग रहे हैं, लेकिन हाँ भाई, इंदिरा गांधी भी एक टाइम में इनविंसिबल लगती थी। तो इनविंसिबल मतलब जिसको कोई हरा ना सके, इनकॉरिजिबल जिसको सुधार ना सके, निर्भया केस विक्टिम प्रॉब्ली हैज़ डन इनक्रेजिबल मिस्टेक इन देयर लाइफ। और इनिमिटेबल होता है दोस्तों वो चीज़ जो क्या हो, जिसको कॉपी ना किया जा सके। तो आंसर लगाते हैं, फर्स्ट में जो हमारा आंसर है एब्सोल्यूट नेसेसरी में, आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे, इनडिस्पेंसिबल। चलिए, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको कोई हरा नहीं सकता, दैट इज इनविंसिबल। ओके, थर्ड वन, थर्ड वन हमारे पास क्या है दोस्तों, थर्ड वन हमारे पास है जिसको कोई करेक्ट नहीं कर सकता, वो है इनकॉरिजिबल। राइट, एंड द फोर्थ वन दैट वी हैव इज वन हु कैन नॉट बी इमिटेटेड, दैट वन इज कॉल्ड इनिमिटेबल। जिसको कोई कॉपी ना कर सके उसे हम क्या बोलेंगे, इनइमिटेबल। अब इनको चारों को हम यूज़ करके देखते हैं, देखिए कि, और इनके सिनोनिम्स भी देखेंगे, इनके हम सिनोनिम्स भी देखेंगे, इनको यूज़ करके देखते हैं। चलिए, यूसेज क्या है, इनविंसिबल के सिनोनिम्स क्या आ रहे हैं, इनडोमिटेबल, इम्प्रेगनेबल, अनकॉन्करेबल। कॉन्कर मतलब जीतना, अनकॉन्करेबल जिसको कोई जीत ना पाए। इम्प्रेगनेबल भी होता है दोस्तों जिसको कोई हरा ना पाए, जिसको कोई जीत ना पाए। और मैं कहूँगा यार ये तो इनडोमिटेबल है। ये देख, जैसे मैंने क्या बोला, बीजेपी हैज़ बिकम इनडोमिटेबल फोर्स इन पॉलिटिकल अरेना। बीजेपी फिलहाल तो 7 इलेक्शन हारी है, लेकिन बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई हरा ही नहीं पाएगा। हैड बीजेपी हैज़ बिकम द इन इनडोमिटेबल फोर्स इन पॉलिटिकल अरेना। चलिए, तो पहले का हमने इनविंसिबल का लगाया जिसको कोई हरा ना सके। एक्लेस एक इनविंसिबल वॉरियर थे, इनविंसिबल वॉरियर मतलब जिनको कोई हरा नहीं सकता। चलिए, सेकंड नंबर लगा रहे हैं इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने बोला ना, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इनडिस्पेंसिबल लैंग्वेज दीज डेज। तो यानी जिसको कोई हरा, जिसको सॉरी कोई मतलब अगर मैं बोलूँ तो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है, इनडिस्पेंसिबल पार्ट है इंग्लिश मेरी लाइफ का। गाइज, मैं बहुत इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आई स्पेंड अप्रोक्स यू नो 8 to 10 hours ऑन डेली बेसिस विद इंग्लिश लैंग्वेज। एंड आई लव लव दिस लैंग्वेज, आई हैव ह्यूज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स दिस, बिकॉज आई नो इट हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल और आई एम गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंडिस्पेंसिबल बहुत ही ज़रूरी। इनएविटेबल वैसे तो बोलते हैं जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जैसे डेथ इज इनएविटेबल इवन फॉर द रिच, इवन फॉर द पुअर, लाइक डेथ इज इनएविटेबल जिसको अवॉइड ना कर सको। तो इनडिस्पेंसिबल को इनएविटेबल भी हम कुछ हद तक बोल सकते हैं। चलिए, इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा ना जा सके। मैंने क्या बोला, ही हैज़ बिकम एन इनकॉरिजिबल लायर। वन, देखिए इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, वन लाई लीड्स टू अनदर। आप एक झूठ बोलते हैं तो वो कहाँ ले जाता है आपको, दूसरे झूठ की तरफ। तो फिर हमें झूठ बोलने की क्या पड़ जाती है, आदत, और फिर वो सुधरती नहीं है। तो ही हैज़ बिकम इनकॉरिजिबल लायर मतलब क्या है, वो एक बहुत ही ना सुधरने वाला झूठा बन चुका है। लायर के लिए हमने ऊपर भी वर्ड देखा था दोस्तों, वो क्या वर्ड था, मंडेशियस। चलिए, इनिमिटेबल को हम फिर से देखते हैं। इनिमिटेबल मतलब यूनिक, अनपैरल, नॉन पैरल, यानी जिसको कोई कॉपी ना कर सके। आमिर खान हैज़ गिवन इनिमिटेबल परफॉर्मेंस इन दंगल मूवी। तो आमिर खान ने दंगल मूवी में कैसी परफॉर्मेंस दी है, इनिमिटेबल परफॉर्मेंस दी है जिसको कोई
सुधार नहीं सकता, ठीक है। तो इनइमिटेबल परफॉर्मेंस कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जैसे देखिए लेफ्ट में दे रहा है आमिर खान हैज गिवन इनइमिटेबल परफॉर्मेंस इन दंगल मूवी। सो गाइज ये सारे वर्ड हम देख सकते हैं, इनविंसिबल हराया ना जा सके, इंडिस्पेंसिबल बहुत जरूरी, इनकॉरिजिबल सुधार। देखिए सारों के आगे ऐसे याद करिए, इनविंसिबल वॉरियर है जिसको कोई हरा ना सके, इंडिस्पेंसिबल लैंग्वेज है इंग्लिश यानी अब छोड़ी नहीं जा सकती, वो एक इनकॉरिजिबल लायर बन गया है यानी जिसको अब सुधारा नहीं जा सकता, और अगर किसी ने इनिमिटेबल परफॉर्मेंस दी है दंगल मूवी जैसे आमिर खान ने, तो दैट के नॉट बी कॉपीड, दैट के नॉट बी इमिटेटेड, राइट। सो गाइज आज मेरी तरफ से इतना ही था, और इस वीडियो को मैं नहीं कहूँगा शेयर करिए, लाइक करिए, डू वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ। मेरी तरफ से आपको ये बैक टू बैक वीडियो अब आने वाले फ्यूचर में मिलती रहेंगी जिसमें आप ये सारे वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। चलिए माय नेम इज़ दीपक, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, बाय बाय।